हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शास्त्रम पर। मैं अभिषेक राज। आज हम लोग क्लास 10 का इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज में सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रमेय होता है, जो एग्जाम में हमेशा फिक्स रहता है। प्रमेय 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन वो हमेशा पूछता है बोर्ड एग्जाम में, फिक्स है। तो तीन प्रमेय, एक फेस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, एक आपका समरूपता का प्रमेय है। तो सबसे पहला प्रमेय हम लोग थेस प्रमेय आज पढ़ेंगे, उसको समझते हैं हम लोग, क्योंकि बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सब आप लोग इसका रिवाइज कर लीजिएगा अच्छा से, ताकि हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको थेस प्रमेय का क्वेश्चन क्या दिया रहेगा। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई त्रिभुज दे ए बी सी, तो एक भुजा बी सी है, एक कौन भुजा है बी सी। बीसी के समांतर देखिए, इसके समांतर ये कौन भुजा है, डी ले लिए रेखा है। बीसी समांतर डी एक रेखा ले लिए, तो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात विभाजित होती है। क्वेश्चन समझते हैं, एबीसी एक त्रिभुज बना है जो बीसी के समांतर एक रेखा खींचे, यहाँ बीसी के समांतर ये रेखा खींचे, जिसका नाम दे दिए डी। बोल रहा है कि ये जो ऐसा त्रिभुज बनाना है कि ये एक समांतर रेखा खींचना है, इसलिए के बाद ये दोनों जो रेखा है ये समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक ही अनुपात विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि अनुपात का तो एडी बाई क्या हो जाएगा, डीबी। एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी। एई बाई ईसी में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, एक ही अनुपात विभाजित हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना है, समझ गए, ये सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले विशेष पाठ्यक्रम में जो हमको दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग मानते हैं। तो क्या क्या हमको दिया है, तो सबसे पहले हम मान लिए कि त्रिभुज एक एबीसी है। मान ले कि त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या है, बीसी के समांतर एक रेखा क्या खींची गई है, डी खींची गई है। बीसी के समांतर रेखा डी खींची गई है, जो एबी और एसी से क्रमशः डी और ई बिंदु पर मिलती है। किसपे मिलती है, डी और बिंदु पर मिलती है, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ। अब देखिए इसमें सिद्ध करना है क्या, जो हम बताए एडी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ईसी, सिद्ध करना है। अब यहाँ सबसे पहले जब सिद्ध करना है तो अपने से रचना देखिए, हम अपने से त्रिभुज में किए हैं। तो सबसे पहले बी से हम ई को मिला दिए दोनों को, और सी से डी को मिला दिए। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा क्या किए, डी से हम लोग एक लंब खींचे, किस पे, एसी पे। ठीक है, एक लंब खींचे जिसका नाम दे दी एन, और हम लोग यहाँ पर ई से एक लंब खींचे एबी पे जिसका नाम दे दी एन। ठीक है, यहाँ देखिए डी से डीएम तथा ई से यह लंब क्रमशः एसी तथा एबी पर डाले, लंब खींच दिए, और बी से ई को मिला दिए, सी से हम लोग इसको डी को मिला दी। कोई दिक्कत यहाँ तक रचना में। अब यहाँ से हम लोग को सिद्ध करना है, इसमें देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई छोटा वाला त्रिभुज, तो छोटा वाला त्रिभुज में देखते हैं हम लोग कि इसका आधार दो को बना, जानते हैं कि किसी पे लंब बन रहा है तो उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो लंब एक ए बी पे बन रहा है और दूसरा लंब ए सी पे बन रहा है, तो दो हमको आधार मिल गया, एक एडी आधार मिल गया, एक एई आधार मिल गया। तो सबसे पहला त्रिभुज जब एडी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 × आधार × ऊंचाई होता है। तो अगर सबसे पहला एडी को आधार मान लेते हैं, हमको ऊंचाई क्या हो जाएगा, ईएन हो जाएगा। तो 1/2 × एडी × क्या हो जाएगा, ईएन। तो 1/2 × एडी × ईएन, समझ गए। सबसे पहले इसको आधार बना लिए, क्योंकि जिसपे लंब बनता है उसको आधार बोलते हैं। इसपे लंब बना एडी पे भी, और दूसरा है हमको एई पे भी लंब बनना है। तो सबसे पहले एडी को हम लोग आधार मान लिए, तो चाहे क्या हो गया, ईएन। तो 1/2 × एडी × ईएन फर्स्ट में। दूसरा क्षेत्रफल निकालते हैं, और डी बी ई का, डी बी ई ये छोटा त्रिभुज का किसका निकाले हम लोग, एक छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो ध्यान देखिए पार्ट को, ये छोटा वाला का नाम क्या है, बी ई और बी। इसका देखिए हमको ऊंचाई मालूम नहीं है, तो ऊंचाई जब मालूम नहीं है तो ऊंचाई को अपने से रचना करना पड़ता है ऐसे करके,
बाहर देखिए इसका ऊंचाई जो बाहर क्या निकला हुआ है, ईएन निकला हुआ है ना। इसका देखिए आधार क्या है, हमको आधार यहाँ पे हमको क्या दिया है, डीबी दिया, क्या दिया हुआ है डीबी। तो 1/2 इंटू डीबी इंटू ऊंचाई इसका क्या है ईएन, तो 1/2 इंटू डीबी इंटू ईएन आप दोनों की दूसरा के अनुपात में कर देंगे। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू एडी इंटू ईएन, 1/2 इंटू डीबी इंटू ईएन, ईएन सीएन कट गया यहाँ पे 1/2 यहाँ कट गया, क्या बचा मेरा एडी बाई डीबी। यहाँ मिल गया पहला प्रूफ जो करना थी, पहला चीज मिल गया, अब दूसरा चाहिए। तो फिर से एक बार और एडी का क्षेत्रफल लेंगे, एडीई का फिर से एक बार क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसपे हम लोग इस बार आधार किसको मानेंगे, एई को आधार मानेंगे। जब एई आधार हो गया तो ऊंचाई मेरा क्या हो गया डी एफ, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एई इंटू डी एफ, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे आप फिर से जान रहे, एक छोटा त्रिभुज ये बन रहा है, देखिए इसको ये क्या त्रिभुज डीई सी में देखिए इसका आधार ईसी हो गया और ऊंचाई इसका देखिए क्या निकला हुआ डी एफ, तो 1/2 इंटू ईसी इंटू डी एम हो गया। तो जब फिर से एक दूसरा का अनुपात निकालेंगे, बटन लिखेंगे त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू एई इंटू डी एम, 1/2 इंटू ईसी इंटू डी एम, डी एम डी एम कट गया, 1/2 कट गया, क्या बचा एई बाय बटे ईसी, एई बटे ईसी बटा। अब देखिए इसके बाद डीई जो समांतर है बीसी का, जब समांतर है तो ये त्रिभुज बी डी ई, ये त्रिभुज देखिए बी डी ई ये त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज देखिए डी ई सी ये दोनों त्रिभुज एक ही रेखा समान रेखा उस पे बन रहा है, डीई पे बन रहा है, किसपे बन रहा है डीई पे। तो जब कोई दो त्रिभुज एक ही समान रेखा डीई पे बनता है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर, क्योंकि ये दोनों समान आधार डी और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं डी और बीसी के बीच स्थित है, दो समांतर रेखाओं बीच स्थित है और एक ही रेखा डी पे बन रहा है जिसका आधार सेम है दोनों का, इसका क्षेत्रफल दोनों क्या होगा बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज डी का क्षेत्रफल पहला वाला इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो हमको समीकरण एक और दो से एडी बाई डी बी और एई बटे ई सी ये हमको सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये जो है थेस प्रमेय आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे समझ गए, एक बार एडी का क्षेत्रफल लेना है, तीन त्रिभुज लिए एडी त्रिभुज लिए, एक बीडीई त्रिभुज लिए और तीसरा त्रिभुज डीईसी त्रिभुज लिए, तीन त्रिभुज लेके हम किए, तीनों त्रिभुज का जब अनुपात निकाले तब वो सिद्ध हो गया और दोनों एक ही आधार बीस डीई पे बनना था त्रिभुज, इसी का दोनों का क्षेत्रफल क्या हुआ बराबर हो गया। समय आप लोग समझ आया होगा, आप लोग अच्छा से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में 100% श्योर है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।